हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ एनसीईआरटी का वो एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करूंगा जो एनसीईआरटी ने पीछे या नई एनसीईआरटी में जिसे अपडेट कर दिया है। एंड दिस इज़ दी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया नाम जब भी हम लोग ले रहे हैं तो ब्रेन में इमेज ये आ रही है, ऐसी डिजीज़ जिसमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की रिक्वायरमेंट हो। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है थैलेसीमिया में? एक तो हम लोग सिकल सेल एनीमिया पढ़ते हैं जहां ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा थैलेसीमिया जहां ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की रिक्वायरमेंट होती है। आप सबको मालूम है जब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं, तो आरबीसी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बना हीम और ग्लोबिन से, और जो ग्लोबिन है, अगर ग्लोबिन HbA1 टाइप का है तो दो अल्फा और दो बीटा की चेन होती हैं। यस, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में हीम जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ग्लोबिन जो कि प्रोटीनेसियस पार्ट है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। इन HbA1 टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन देर आर टू अल्फा एंड टू बीटा चेन। कई बार हम लोग जेनेटिकली ये ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट में या तो अल्फा चेन कम है या बीटा चेन कम है। अगर किसी पेशेंट में अल्फा चेन कम है, दिस इज अल्फा थैलेसीमिया। अगर बीटा चेन कम है, दिस इज बीटा थैलेसीमिया। अगर आप लॉजिकली सोचो, अल्फा चेन अगर कम होगी तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा। हीमोग्लोबिन का मेन काम है ऑक्सीजन को कैरी करके सेल्स तक पहुंचाना ऑक्सीजन को। अगर अल्फा या बीटा चेन रिड्यूस होंगी, इनका नंबर कम होगा, तो हीमोग्लोबिन अपने इस फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा और भी कई सारे सिम्टम्स पेशेंट में अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ आज का ये टॉपिक मुझे स्टार्ट करना है, क्योंकि थैलेसीमिया इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर में बच्चों पहली लाइन क्या है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन डिस्कशन है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे अच्छे से समझना है हम लोगों को। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर का मतलब है कि जो हम लोग सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम पढ़ते हैं, ऑटोसोम के जो क्रोमोसोम है वहाँ पे, क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट है, अगर वो डिफेक्टिव जीन होंगे तो थैलेसीमिया की प्रॉब्लम होगी। थैलेसीमिया ज़्यादातर होता है म्यूटेशन या डिलीशन के कारण। ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट हैं या तो डिलीट हो गए हैं या म्यूटेट हो गए हैं। दिस इज द रीज़न फॉर थैलेसीमिया। तो पहला तो पॉइंट हमें समझ में आ गया। अगर आप जीनोटाइप देखोगे, मतलब किसी को अगर थैलेसीमिया नहीं है, नॉर्मल है, कैपिटल ए कैपिटल ए, थैलेसीमिया तो है लेकिन कोई सिम्टम अपीयर नहीं हो रहा क्योंकि वो डिजीज़ का कैरियर है। इसे हम कहते हैं अनअफेक्टेड कैरियर। हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए। और अगर कोई थैलेसीमिक पेशेंट है जिसे थैलेसीमिया है, जीनोटाइप स्मॉल ए क्योंकि ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। और रेसेसिव डिसऑर्डर तो अपने आप को हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा। थैलेसीमिया डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड कैसे होती है, ट्रांसफ़र कैसे होती है? ये डिजीज़ हमेशा जेनेटिकली ट्रांसफ़र होगी। और किसके द्वारा ट्रांसफ़र होगी? यस, आंसर इज राइट, अनअफेक्टेड कैरियर के द्वारा। क्योंकि अगर कोई नॉर्मल है तो उससे तो डिजीज़ ट्रांसफ़र होनी नहीं है। अगर कोई डिजीज्ड होगा तो ज़्यादा चांसेस है कि उसकी डेथ हो जाए। तो ज़्यादातर सोसाइटी में जो डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है वो कैरियर के वाया होती है। एक केस देखते भी हैं, अगर हम लोग कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब डिजीज़ के कैरियर है पेरेंट्स, इनके बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, तो थैलेसीमिक पेशेंट होने के चांसेस हमारे पास कितने परसेंट हैं? 25%। और आप देखोगे तो इधर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, 50% कैरियर अनअफेक्टेड कैरियर है और 25% नॉर्मल होंगे। तो जैसा हम लोग नॉर्मल जेनेटिक्स में करते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तभी ट्रांसफर होगी ऑफस्प्रिंग में व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड कैरियर। जब दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड कैरियर होंगे, मतलब पेरेंट्स में डिजीज़ के कोई सिम्टम अपीयर नहीं होंगे, लेकिन ऑफस्प्रिंग में डिजीज़ होने के कितने परसेंट चांस है? आंसर इज 25%। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन है उसके पास दो अल्फा और दो बीटा चेन है।
अगर अल्फा चेन का नंबर कम हो जाएगा तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन का नंबर कम हो जाएगा तो बीटा थैलेसीमिया। एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है, ये तो हमें मालूम है कि इस डिजीज के पीछे का रीजन म्यूटेशन या डिलीशन। क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट हैं, अगर म्यूटेट या डिलीट हो जाएंगे तो ये डिजीज होगी। एनसीईआरटी ने अल्फा और बीटा टर्म यूज ना करके ए डैश और ए कैप टर्म यूज किया है। ए डैश को हम अल्फा की तरह कंसीडर कर रहे हैं और ए कैप को बीटा की तरह कंसीडर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी ने ए डैश और ए कैप, ए डैश अल्फा और ए कैप बीटा, मतलब ये पर्टिकुलर थैलेसीमिया। अगर ए डैश यानी अल्फा चेन कम होगी तो अल्फा थैलेसीमिया एज आई टोल्ड यू, और ए कैप यानी बीटा चेन अगर कम होगी तो बीटा थैलेसीमिया। अगर अल्फा और बीटा चेन का नंबर कम है तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा तो एनीमिक पेशेंट होगा, और एनीमिक पेशेंट में ही तो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसकी जेनेटिक्स देखते हैं बच्चों क्या है। तो एज आई टोल्ड यू, ए डैश मतलब हमारे लिए अल्फा और ए कैप मतलब बीटा थैलेसीमिया, ये अपने ब्रेन में रखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी अलग यूज करी है। क्रोमोसोम नंबर 16, क्रोमोसोम नंबर 16 जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है उसके पास दो जीन प्रेजेंट है। क्रोमोसोम 16 पे कितने जीन है, टू जीन। उन जीन का नाम क्या है, HBA1 और HBA2। नेम ऑफ जीन दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, देयर नेम इज HBA1 एंड HBA2, एंड बोथ आर लिंक्ड जीन, दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत क्लोज प्रेजेंट है। अगर इन दोनों जीन में म्यूटेशन हो जाए या डिलीशन हो जाए तो आपको कौन सा थैलेसीमिया होगा, अल्फा थैलेसीमिया। एक और पॉइंट दे रखा है जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो लिख टू जीन रहे और फिर आगे सेंटेंस में लिख रहे हैं कि एक या चारों जीन में डिलीशन या म्यूटेशन होगा तो अल्फा थैलेसीमिया होगा। हम लोग को बेसिक क्लियर है, सिंगल पेरेंट से हमें एक क्रोमोसोम मिल रहा, दोनों पेरेंट से दोनों क्रोमोसोम मिलकर के 23 पेयर या 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म हो रहा है। एक क्रोमोसोम पे दो जीन है तो दोनों क्रोमोसोम पे कितने जीन होंगे, 4 जीन। यही सेम सेंटेंस एनसीईआरटी ने यूज किया है कि वन और मोर ऑफ दी 4 जीन, है ना, या तो 1, 2, 3, 4 इनमें अगर प्रॉब्लम आएगी तो अल्फा थैलेसीमिया। जैसे कि नॉर्मल 1, 2, 3, 4 ये 4 जीन प्रेजेंट है, अगर एक जीन में यहाँ से एब्सेंट कर दूँ तो टोटल अभी कितने जीन है, 3 जीन। ऑब्वियसली 3 जीन होंगे तो अल्फा थैलेसीमिया। लेकिन अगर किसी पेशेंट में 2 जीन एब्सेंट होंगे, किसी में 3 जीन एब्सेंट होंगे, तो जैसे जैसे जीन एब्सेंट होंगे म्यूटेशन होगा या डिलीशन होगा, जो सीवियरनेस है थैलेसीमिया की वो बढ़ती जाएगी। ऑब्वियसली अगर चारों जीन एब्सेंट होंगे तो बहुत ज़्यादा सीवियर थैलेसीमिया होगा, एक अगर एब्सेंट होगा तो लेस सीवियर होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन दी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जीन। तो ये कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए कि म्यूटेशन या डिलीशन से वन या चारों जीन में अफेक्ट हो सकता है। और अल्फा थैलेसीमिया के जो जीन है वो HBA1, HBA2 है, दिस इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। इसी तरीके से बीटा थैलेसीमिया के बारे में देखते हैं। बीटा थैलेसीमिया जिसके लिए एनसीईआरटी टर्म यूज कर रहा है ए कैप, बीटा थैलेसीमिया के जीन क्रोमोसोम नंबर 16 पे हैं और एक क्रोमोसोम पे केवल कितना जीन है, 1 जीन, यानी दोनों क्रोमोसोम पे नंबर ऑफ जीन क्या होंगे, 2। इसीलिए अगर ये दोनों जीन म्यूटेट हो जाए या डिलीट हो जाए तो कौन सा थैलेसीमिया होगा, बीटा थैलेसीमिया। सोचो अगर बीटा ग्लोबिन चेन नहीं बनेगी, केवल अल्फा चेन होगा, तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन प्रॉपरली ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा। इसीलिए अल्फा या बीटा थैलेसीमिया इसे हम लोग कहते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन चेन अफेक्टेड हो रही है। एनसीईआरटी ने लास्ट में लिखा है कि जो थैलेसीमिया है वो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है और सिकल सेल एनेमिया क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वांटिटेटिव क्योंकि क्वांटिटी कम हो रही है। अगर अल्फा चेन नहीं बनेगा तो अल्फा चेन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, बीटा चेन फॉर्म नहीं होगा तो बीटा चेन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और अगर ये कम होगी तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन अफेक्टेड होगा, इसीलिए इसे क्वांटिटेटिव कह रहा है। और सिकल सेल एनेमिया जहाँ पे बीटा चेन जो है
उसमें म्यूटेशन आने के कारण हीमोग्लोबिन का सेप सिकल सेप्ड हो जाता है, तो उसकी क्वालिटी वेरी करती है। इसीलिए सिकल सेल एनेमिया एग्जाम्पल है क्वालिटेटिव का और ये एग्जाम्पल है क्वांटिटेटिव का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसे देखने के बाद फिर से एनसीईआरटी का वो पैराग्राफ रीड करोगे तो मेरे हिसाब से अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू बच्चों।